जय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आईटीबीपी ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो पेपर है दोस्तों, वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप बोलोगे अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, प्रोवाइड कैसे करा दोगे? तो दोस्तों, वो पेपर नहीं है दोस्तों, एक्चुअली मैं हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी का आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। लेवल वही रहने वाला है, उसके बाहर कुछ लेवल नहीं आएगा। और जो चीज़ आपको वहाँ पूछने वाला है वही चीज़ यहाँ पर भी ये पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरा कॉपी पेस्ट ही कर देंगे, लेकिन आपको आईटीबीपी ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पेपर देने से पहले इस पेपर को एक बार एनालाइज जरूर कर लेना है कि लेवल क्या आने वाला है। देखो दोस्तों, अगर लेवल पता चल जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं। अब आपके पास एक महीना नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ, एक महीना है आपके पास अभी तैयारी करने के लिए। आपने इस पेपर को पहले एनालाइज कर देना है। और मैं आपसे 50 बार बोल रहा हूँ भाई, सिलेबस के पीछे मत भागो। अगर नंबर सिस्टम पकड़ना है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो वहाँ के, वो भी बेसिक, ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर आपने परसेंटेज पकड़ना, पूरी परसेंटेज मत खत्म करो, सिर्फ बेसिक परसेंटेज, नंबर बेस्ड जो परसेंटेज रहता है ना उसको सॉल्व करो बस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मत करो भैया, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लगता है और आप सिलेबस करने में फिर आपको पूरा समय चाहिए, पूरा साल चाहिए आपको सिलेबस कवर करने के लिए। अब आप सोचते हो कि कम समय में सटीक तैयारी, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप लोग पीछे देख लें ना पीडीएफ, ये पीडीएफ आपने एक बार सॉल्व कर लेना है। ये पीडीएफ नहीं है भैया, ये ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है? हाई कोर्ट ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर है ये। अब आप लेवल समझ सकते हो, 8th पता नहीं 10th लेवल से ये वैकेंसी फिल किया गया था और वही काम हमारे साथ भी है, आईटीबीपी ट्रेड्समैन चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। अगर आप किसी का भी पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये पीडीएफ और ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, मैं सीधा कहता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, मेरे 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। 500 लोगों की मेरी फैमिली, जो मेरी खुद की फैमिली, और आप भी अब अगर हमारी फैमिली के सदस्य बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं भैया, कि आप लोग डट के मेहनत करो। और डट के मेहनत मैं भी कर रहा हूं भाई। देखो, मेरा कंपटीशन आपसे और आपका कंपटीशन मेरे से, तो मैंने सोचा है कि आप तक ये बात पहुँचा दूँ कि भाई मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुखर्जी नगर में मैं अकेला रह रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पर हर तरह का बंदा आता है तैयारी करने के लिए। भाई बंदे ने एसएससी जीडी का पेपर निकाल रखा है, वो बंदा सिर्फ ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि दिल्ली में बंदा कितना पढ़ने, कितना क्या बताऊँ, यहाँ पे बंदा चाहता है कि मेरे को छोटी नौकरी मिल जाए, जो मैं चाहता हूँ वही आप चाहते हैं कि एक नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, इस चीज़ को टारगेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आपने ये पीडीएफ एक बार सॉल्व कर लेना है। और आपको अगर ये पीडीएफ, ऐसे ही पीडीएफ और चाहिए, और ऐसे ही मैं जैसे भाई मेरे पास ये पीडीएफ था, ये पेपर आ गया था, मैंने सोचा आपको दे दूँ, ऐसे ही मेरे पास तमाम पेपर पड़े हुए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का है। और देखो, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ भाई, लेवल जो है ग्रुप डी का और ग्रुप सी का 8th और 10th लेवल का ही आता है। लेकिन दोस्तों, ये जो हम लोग ने आईटीबीपी और सीआरपीएफ में, इसमें मैथ का लेवल और थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है? इनमें थोड़ा मैथ ज़्यादा पूछ लेते हैं, जैसे रेलवे वगैरह हो गया या इधर हाई कोर्ट वगैरह हो गया। लेकिन इन जैसे जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहती है, इसमें मैथ का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, बाकी आपको जीएस थोड़ा हाई कर देंगे, ठीक है? दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।